हाय एवरीवन, दिस इज सफिया इंतजार। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। तो आलू के कबाब के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे चिकन आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके रेशे अलग अलग कर लिए इसके, कुछ इस तरह से। आलू बॉईल किए हुए आधा किलो। तो स्पाइसेस में हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए धड़ा मिर्च हाफ टेबल स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, नमक हसबे जायका, हल्दी एक चुटकी, सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मुझे कबाब मसाला चाहिए। ये घर का बना हुआ है, आपके साथ मैं वीडियो एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। 2 अदद प्याज मैंने चॉप कर लिए, धनिया 1 गट्टी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सब्ज मिर्च 1 टेबल स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कबाब बनाने के पहले स्टेप की तरफ आते हैं, उसमें हम आलू ऐड कर दिए और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे आप। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज, धनिया, सब मिर्चे और अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस। कबाब का मिक्सर तैयार हो चुका है, अब एक एक करके इसको कबाब बनाते जाएंगे। ऐसे ही सारे कबाब बना लेंगे। अगर हाथ के साथ मिक्सर चिपके तो थोड़ा सा पानी लगा लें। तो कबाब हमने बना लिए, तो अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तीन अंडे लेंगे, अजवाइन दड़ा मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक हसबे जायका, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम कबाब को डिप करके तलेंगे। तो चले जी, अब हम तलते हैं कबाबों को। कबाब लेंगे, इस मिक्सचर में इसे डिप करेंगे और फिर इसे तल लेंगे। तो चलें तलते हैं। इसके ऊपर घी डालें, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। Thank you.
कोशिश करें कि आपने फ्लेम इसकी लो रखनी है। तो ये रेडी हो चुके हैं। लाइट ब्राउन करके आप इसको उतार सकते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे कबाब आप तल लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की आलू के कबाब की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।